सोशल मीडिया पर इस वक्त हर तरफ एक ही गाना बज रहा है, जी हाँ, काचा बादाम। ये गाना आप सभी सुन चुके होंगे, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर तरफ वायरल हो रहा है ये। लेकिन इस गाने के जो सिंगर हैं, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भुवन बद्याकर का इस वक्त एक एक्सीडेंट हो गया है एंड ये एक्सीडेंट की खबरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ डिटेल्स आउट हुई हैं, चलिए आपको बता देती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूस, मैं हूँ ज्योति नाहक। भुवन को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है और माना जा रहा है कि उनका कल के दिन एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ एंड उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। इस बारे में डिटेल में जो खबरें सामने आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कहा जा रहा है कि निलंजन मोंडाल ने कंफर्म किया है, जो कि सुपरिटेंडेंट है उस हॉस्पिटल के, कोलकाता में एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, वहां के जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा है, वी कंडक्टेड अ फ्यू टेस्ट्स, देयर आर नो विजिबल साइंस ऑफ इंजरी इन हिज कंडीशन राइट नाउ एंड Apparently he is a bit stable, यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ तब उनकी हालत काफी क्रिटिकल हो गई थी, बट फिलहाल जब उनके टेस्ट किए गए हैं तो वो अपनी स्टेबल कंडीशन पर है और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट्स उन्हें लेकर सामने आने लगे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विरल भयानी ने भी इस बारे में पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा कि कहीं ना कहीं हर कोई काफ़ी शॉक्ड हो गया इस खबर को देखकर। बट मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वो काफ़ी स्टेबल है, वी कैन जस्ट होप कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाएं। एंड आपको क्या कुछ है कहना बताइएगा जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में।